Good morning, students. So let's start our lecture from where we left it yesterday. I was giving you one example. I had put before you two cases. Okay. In case A, I said when the price of a pen is rupees 10, the consumers are willing and able to buy 100 pens. And when the price falls to 5 rupees, now the consumers are able and willing to buy 200 pens. Okay, A situation. B situation, price is 10 rupees per pen. Consumers are demanding 100 pens. Price remaining the same, their demand rises to 200 pens. What is the difference between these two situations? In both the cases, demand has changed from 100 to 200. But do you find any difference in these two situations? Here, the price has risen due to fallen price. Law of demand is applicable here, right? But in this case, at same price, students are demanding more of pen. What could be the reason behind it? Be specific. Okay, maybe pehle kuch bacche koi aur pen bhi khareedte the, theek hai, ab wo pen mehanga ho gaya, to ye pen relatively cheaper ho gaya. Its price has not fallen, but it has become relatively cheaper. Relatively cheaper word hum kab use karte hain? Jab in comparison to other commodity, iska price kam hai. Kyunki ek pen X hai, ek Y hai. Ye aap 10 rupay ka lete the, ye bhi 10 rupay ka lete the. Theek hai? To 100 pens inki demand thi, 100 in pens ki demand thi. Ab kya hua? Iska price ho gaya 15 rupees. So your friends would recommend ke bhai ye same quality hai, ye usse bhi better hai, substitute hi hai uska, ye mehanga ho gaya, why don't you purchase this now? Theek hai? So this pen, its price remaining the same, it has become relatively cheaper. Yes, it has not become cheaper, its price has not fallen, it has become relatively cheaper. So you will substitute this for this. As a result, you start buying 200 of this and 0 of this. Yes? So same price per demand, kyun badi? Kyunki substitute good ka price bad gaya. Any other reason which comes to your mind? Aapki pocket money bad gayi? Or एग्जामिनेशन सीजन आ गया तो ज्यादा पेन खरीदते हैं हम लोग. अभी तो आप नहीं खरीदते होगे, 11th में आके तो वैसे एक पेन भी नहीं खरीदते हो. टिल 8th 9th तो एक शौक होता है, एग्जाम्स है, अच्छा नए पेन्स ले दो, नया सेशन स्टार्ट हुआ, नए पेन ले दो. जब 10th 11th में आते हैं तब कहते हैं रहने दो, देख लेंगे, उसके पास होते हैं बड़े सारे पेन, उससे ले लूंगा. ऐसे ही होते है ना? तो यहाँ पे क्या कारण बन सकता है आपका एग्जामिनेशन? छोटे बच्चों की बात करें, ओवरऑल मार्केट डिमांड, एग्जामिनेशन सीजन आ गया, यहाँ सेशन स्टार्ट हुआ, उस करके पेन की डिमांड बढ़ गई. ठीक है? सो डिफरेंस क्लियर कट पता चल रहा है, दोनों में डिमांड चेंज हुई, लेकिन दोनों में डिमांड में चेंज होने के कारण अलग अलग है, बट दोनों में इंक्रीज हुई है. हाउ टू डिफ्रेंशिएट? दो ट्विन्स होते हैं तो हम क्या उनको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको बुला लाओ जिसके यहाँ पे मोल है, उसको बुला के लाओ जिसके यहाँ मोल नहीं. नहीं ना, वी गिव देम डिफरेंट नेम्स. हियर आल्सो वी नीड टू गिव देम डिफरेंट नेम्स. यस, सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वी कॉल इट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी
डिमांडेड। ऑन दी अदर हैंड जब अदर फैक्टर्स के कारण ये जो चेंज आया किस कारण से आया, प्राइस के करके नहीं, प्राइस तो सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, किस करके आया, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस इट इज क्लासिफाइड एज चेंज इन द लेवल ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? नाउ व्हेन द डिमांड देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इट कॉजेस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व यू कैन मेक दिस। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस इट कॉज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका मतलब आपको जब हम इसको डायग्रामेटिकली या शेड्यूल से करेंगे और बेटर वे में समझ आ जाएगा। दिस इज कॉज्ड, व्हाई इट इज कॉज्ड, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पेन का प्राइस कम हुआ था इसीलिए पेन की डिमांड बढ़ी थी, है ना? सो दिस चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन द अदर हैंड हियर चेंज इन डिमांड इज कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है? नाउ ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड कैसे चेंज हो सकती है? अभी जो हमने सिचुएशन ली थी उसमें डिमांड क्या हुई थी, बड़ी थी। अगर पेन महंगा हो जाता तो डिमांड कम हो जाती। सो वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, वी हैव टू गिव देम words in English as well. So whenever demand rises due to fall in price, we call it expansion of demand. क्या कहते हैं हम उसको? Expansion of demand. Can you relate? Expand से बना word. Expand का मतलब बढ़ना. Clear? On the other hand, if price of the commodity rises, demand will fall. This fall will be given one name, that is contraction of demand. So which means change in quantity demanded is of two types, expansion of demand, contraction of demand. Clear? अभी शॉर्ट में बता रही हूं, इसको सारा डिटेल में करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल, विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द लेवल ऑफ डिमांड दैट इज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अगेन डिमांड में राइज और डिमांड में फॉल, तो अगर मैं इसको भी एक्सपेंशन दे दूं नाम, तो पता चलेगा हम कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं, जो प्राइस के कारण बढ़ी या अदर फैक्टर्स के कारण बढ़ी। नहीं पता चलेगा तो हमें नाम अलग देना पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं इसको? इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? सो व्हेनेवर एनीवन टेल्स यू दैट देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, आपको उसको कैसे रिलेट करना है? सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको बोले कोई
गोल्ड डिमांड हैज एक्सपेंडेड, तो आपको क्या समझना है, गोल्ड का प्राइस कम होने के करके गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, ओके. सो इंक्रीज इन डिमांड व्हेनेवर एट सेम प्राइस देयर इज राइज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड. ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड कम हो जाती है, सेम प्राइस पे डिमांड कम हो जाती है, बताया ना इसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, डिमांड किस करके चेंज हो रही है, अदर फैक्टर्स के करके, सो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है. ये आप चार्ट बना लीजिए, फिर हम वन बाय वन पहले इस पार्ट को स्टडी करेंगे, फिर उस पार्ट को स्टडी करेंगे. और बेटे जो घर में भी बैठे हैं, साथ साथ अगर आप नहीं बनाओगे डायग्राम्स, तो बच्चे यहाँ हमारे पास भी होते हैं, हम अपने सामने बनाते हैं, इवन देन वो एग्जाम्स में गलती कराते हैं डायग्राम्स में, तो इसीलिए डू नॉट थिंक कि कोई बात नहीं ओरली सुन लेते हैं अपने आप आ जाएगा, ऐसे नहीं आता है, ठीक है. सो आप अगर आपके पास अभी पेपर पेंसिल नहीं है, पिक इट अप एंड स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. सो लेट्स कंसेंट्रेट ऑन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एज आई टोल्ड यू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज द चेंज इन डिमांड विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है. सो पता चल गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हाउ टू डिफाइन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. It refers to change in demand which occurs due to change in own price of the commodity. It's of two types, one expansion of demand and another contraction of demand. So what is expansion of demand? You need to write it down. When with fall in price, demand of commodity rises, increases word use ही नहीं करना, increase किसके लिए use करना है, other factors के करके, ठीक है. When with fall in price, there is rise in the demand of the commodity, it is referred to as expansion of demand. So let us explain it with the help of demand schedule. जो मैंने पहले लिया था वही ले लेती हूं. Price, quantity demanded. Pen का price कितना है? 10 रुपए. आप कितनी demand कर रहे हो? 100 pens. You need to note it down. Price falls to 5 rupees. Demand rises to 200 units. हाँ जी schedule लिखेंगे सब. Example तभी clear होगी ना, कल को फिर भूल जाओगे. Here there is rise in demand due to fall in price. So it is referred to as क्या नाम देंगे इसको? Expansion of demand, ठीक है. अब इसको हम डिमांड कर्व से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहां पे बेटे प्राइस के करके ही डिमांड हो रही है, तो डिमांड कर्व तो बनना ही बनना है, ठीक है. बट द कंज्यूमर विल मूव फ्रॉम वन डिमांड कर्व, वन पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व टू अनदर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व. लेट्स सी हाउ. क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, पॉइंट्स ले लेते हैं 5, 10, 100, 200. 10 पे डिमांड कितनी है, पॉइंट प्लॉट कर लें, उसको ए नाम दे दें. फाइव
फाइव पर कितनी हो गई 200। पॉइंट प्लॉट कर लो, बी नाम दे दो। जॉइन दीज पॉइंट्स, एक्सटेंडेड फर्दर, यू गेट अ कर्व बी डी विच इज अ डिमांड कर्व। बेटे दिस इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द डिमांड शेड्यूल। ये एक डिमांड शेड्यूल था, उसका हमने एक पार्ट उठा लिया, उसका एक एक्सट्रैक्ट उठा लिया, उसको हमने ये कर दिया। इसीलिए ये शो करने के लिए डिमांड शेड्यूल का एक हिस्सा है, हमने दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो इस केस में कंज्यूमर पहले कौन से पॉइंट पे था, ए। नाउ ही हैज मूव्ड टू बी। व्हेन ही मूव्स फ्रॉम ए टू बी, वन थिंग, इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, यस, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यस। सेकेंडली, नॉर्मली डाउनवर्ड से बच्चे ये समझते हैं कि वो कम हो रही है वैल्यूज, लेकिन यहां पे डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड्स राइट। डाउनवर्ड किधर को जा रही है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। सो जब भी डिमांड एक्सपैंड होती है, इट कॉजेस डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इट कॉजेस एक्सपेंशन, कॉजेस लिख लो, एक्सपेंशन कॉजेस डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और यू कैन इवन राइट एक्सपेंशन इंप्लाइज, कर लो या कॉजेस मत लिखो, उससे मैं बताती हूं क्यों नहीं। एक्सपेंशन इंप्लाइज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब डाउनवर्ड मूवमेंट क्या इंप्लाई कर रही है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड बढ़ गई। व्हाट कॉजेस एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, फॉल इन प्राइस, यस। So if I ask you, what causes downward movement along demand curve, what would be the answer? What causes downward movement along demand curve? Fall in price. Normally, बच्चों की tendency होती है, इसका answer लिख देते हैं. If I ask in the examination, what causes downward movement, they write expansion of demand. Downward movement implies expansion. It does not cause expansion. Expansion is caused due to fall in price. Likh lo. What causes downward movement along demand curve? Fall in price. Agar aapko char options aate hain, आप बोलोगे जी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कुछ बच्चे लिख देते हैं चेंज इन प्राइस, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। चेंज इन प्राइस कुड बी फॉल इन प्राइस, इट कुड बी राइज इन प्राइस। जब प्राइस फॉल है तो डिमांड एक्सपेंड करती है, जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो स्पेसिफिक आंसर दैट इज फॉल इन प्राइस। ठीक है, क्या क्या पता चला हमें कि जब डिमांड प्राइस में कम होने के कारण बढ़ती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। उसके करके डिमांड कंज्यूमर डाउनवर्ड मूव करता है डिमांड कर्व पे, यस। सो दिस डाउनवर्ड मूवमेंट इज रेफर्ड टू एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। नाउ लेट्स कम टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइज इन डिमांड, सॉरी फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस।
pollen demands due to rise in price is referred to as contraction of demand. Now, it is clear from the following demand schedule. बेटे वो जो डिमांड शेड्यूल बनाया उसको उलट कर देंगे और कुछ नहीं याद करना हमने. 10-5 की जगह 5-10, 100-200 की जगह 200-100. यस, मास्क ऊपर करो और च्युइंगम बाहर फेंको. सो हियर इट इज क्लियर. विद rise in price, demand for the commodity falls. जब प्राइस, जब पेन 5 रुपए का है तो आप लोग 200 रुपए डिमांड कर रहे थे पेन के लिए, अभी पेन महंगा हो गया तो आपने इसकी डिमांड कम कर दी 100. ये जो पेन की डिमांड में कमी आई इसको हम किस नाम से बुलाएंगे? Contraction of demand. So let's draw it. Those who are not wearing mask, please wear it. Price, quantity demanded, again 100, 200, 5, and 10. So at price rupees 5, demand 200 units. इसको हम point A का नाम दे देंगे. And at 10, demand is 100. Join these two points A and B, you get a demand curve DD. ड्रॉ करो बच्चे. ऑल ऑफ यू ड्रॉ इट प्लीज. दिस मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? अपवर्ड है. लेकिन जी जो अपवर्ड की तरफ है, अपवर्ड मीन्स बैकवर्ड्स है क्योंकि उसकी स्लोप ही ऐसी है. तो जब बैक की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज कम हो रही हैं. सो बैकवर्ड और डाउन क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. व्हाट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? राइज इन प्राइस. So what causes upward movement? What causes upward movement? Again, rise in price. What causes movement along the demand curve? Change in own price of the commodity. ठीक है? Be clear about all kind of questions. अगर वो पूछता है डाउनवर्ड मूवमेंट किस करके आती है, किस करके आती है? ड्यू टू फॉल इन प्राइस. अपवर्ड मूवमेंट किस करके आती है? ड्यू टू राइज इन प्राइस. मूवमेंट किस करके आती है? चेंज इन प्राइस, आइदर ड्यू टू राइज इन प्राइस और ड्यू टू फॉल इन प्राइस. ठीक है, ये हो गया हमारा चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, which is also referred to as movement along the demand curve. Now, is it clear why it is referred to as movement along the demand curve? Because consumer moves on the same demand curve from one point to another point. ठीक है, second category करते हैं, change. मैंने अभी बस समझाया ना आपको, पहली बार downward negative नहीं होता. नेगेटिव दूसरी जोन में होता है, इस जोन में होता है. ये तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इधर को वैल्यूज बढ़ रही हैं. जब ये डाउनवर्ड को जा रहा है, अगर आप सीढ़ियां उतर रहे हो, ठीक है, ऐसी सीढ़ियां हैं, तो आप इस डिस्टेंस पे थे, अब आप इधर आए ना, टुवर्ड्स राइट मूव करें ना, बढ़ा ना आपका डिस्टेंस. तो यही बात यहां पे, यहाँ पे आप 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स पे पहुंचे हो क्योंकि आपकी स्लोप ऐसी है. अगर आपकी स्लोप ऐसी होती सीढ़ियों की, फिर अपवर्ड मूवमेंट
उलट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट, यहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर ऐसे होती स्लोप कर्व की तो डाउनवर्ड मूवमेंट वुड हैव लेड टू फॉल इन द वैल्यू. समझ में आया? तब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट इधर आ रहे हो, यानी 200 से 100 आ रहे हो, लेकिन यहां पर टुवर्ड्स राइट वैल्यूज बढ़ रही है. ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई कर्व में इससे उलट होता है. ठीक, नाउ इट इज क्लियर. मूविंग ऑन टू चेंजेस इन लेवल ऑफ डिमांड, इट इज कॉज्ड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस. इट्स ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. सो लेट अस डू द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फर्स्ट. ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन, इंक्रीज इन डिमांड. व्हेन मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस, इट इज रेफर टू एज इंक्रीज इन डिमांड. सिंपल सा फंडा, सेम प्राइस मोर डिमांड. हरलीन कितनी प्यास लग रही है तेरे को बर्थडे वाले दिन बेटा, है? व्हेन मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड. तो सिंपल एक शेड्यूल, कुछ भी हाइपोथेटिकल बना लो, जरूरी नहीं है मैं जो यहाँ पे बोल रही हूँ वही बनाने हैं. आपने सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ा देनी है. ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड 5, 5, 100, 200 या 10, 10 कर लो, कुछ भी कर लो. सेम प्राइस पे ज्यादा की डिमांड हो रही है, दिस इज व्हाट इंक्रीज. इट कुड बी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इट कुड बी ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. पेट्रोल अभी सस्ता हो जाएगा, कार. नो आंसर टू, वो सपोज रहेगा उसके आगे हमेशा. सपोज पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार्स की डिमांड सेम प्राइस पर बढ़ जाएगी, है ना? सो 100, 200 क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 5. अब यहां पे देखो, दिस इज अ बिट बेटे, यू हैव टू ड्रॉ इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. जो वो डिमांड शेड्यूल था, दैट वाज एक्सट्रैक्ट ऑफ वन डिमांड शेड्यूल. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ टू डिमांड शेड्यूल्स. हाउ? डिमांड शेड्यूल को डिफाइन कैसे करते हैं? डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस, ये क्या शो कर रहा है? तो ये दोनों डिमांड शेड्यूल, दो डिमांड शेड्यूल का एक्सट्रैक्ट है. ये एक डिमांड शेड्यूल का, ये दूसरे डिमांड, क्योंकि डिमांड शेड्यूल तो वो होता है जो अलग अलग प्राइसेस पर डिमांड बताता है एक कमोडिटी की. तो इसका मतलब ये हमने एक डिमांड शेड्यूल से लिया एक पॉइंट, तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ये आ गया ए पॉइंट. चलो मैं इसको सिंप्लिसिटी से ऐसे कर देती, ठीक है? ये एक पॉइंट आ गया, दिस इज वन पॉइंट ऑफ डिमांड शेड्यूल, विच मीन्स दिस इज वन पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व. सो टू इफ वी एक्सटेंडेड फर्दर, वी गेट वन डिमांड कर्व डीडी. यस, कमिंग टू दिस, this is what an extract from another demand schedule. At 5 demand is 200. This B point, does it belong to DD demand curve?
Does it belong to DD? No, this point belongs to another demand curve. So let's show that demand curve. DD के parallel एक नया demand curve बना देंगे D1. ठीक है? Now this A to B, is it a movement along the same demand curve? This is a shift taking place from one point of demand curve towards another point of demand curve. This rightward shift is referred to as increase in demand. Rest we will do tomorrow.